हिमाचल प्रदेश में मानसून के चलते इस समय पर्यटन कारोबार ठप पड़ा हुआ है। मानसून की वजह से पर्यटक हिमाचल आने से परहेज कर रहे हैं और जिनकी पहले से बुकिंग थी उन्होंने भी अपनी योजनाएं रद्द कर दी हैं। लेकिन अब खुशखबरी ये है कि मानसून समाप्त होने वाला है और पर्यटकों के लिए हिमाचल प्रदेश एक बार फिर सुरक्षित और आकर्षक स्थान बन जाएगा। अगर आप भी हिमाचल प्रदेश की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो अभी के मौसम और पर्यटन से जुड़ी जानकारी जानना आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। पर्यटन कारोबारियों के अनुसार हिमाचल प्रदेश पर्यटकों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। मौजूदा समय में भी कई पर्यटक हिमाचल प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और होटलों में 30% तक की ऑक्यूपेंसी देखी जा रही है। होटल मालिक और पर्यटन कारोबारी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इस दौरान शानदार डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने भी अपने हॉस्टलों में 15 सितंबर तक 40% तक छूट की पेशकश की है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक शोभित कटियार ने जानकारी दी है कि हिमाचल प्रदेश से मानसून के रवाना होने में अभी थोड़ा समय लगेगा। सामान्यतः मानसून 15 सितंबर के बाद या सितंबर के अंत तक हिमाचल प्रदेश से विदा होता है। इसका मतलब है कि अगले 3 हफ्तों में मानसून का असर कम हो जाएगा और इसके बाद पर्यटकों के लिए यात्रा करना अधिक सुरक्षित होगा। देखिए, अगर मानसून की बात करें तो अभी भी मानसून विड्रॉल होने में काफ़ी टाइम है, क्योंकि नॉर्मली जो है हिमाचल प्रदेश से मानसून जो विड्रॉल होता है वो हमारे लगभग एंड ऑफ द सितंबर या 15 सितंबर के बाद ही होता है। तो अभी भी हमारे पास 2 से 3 हफ्ते का टाइम है, लगभग 3 हफ्ते से भी इनफैक्ट ज़्यादा का टाइम है। तो अभी भी काफ़ी अच्छा समय है जिसमें अच्छी बारिश हमें हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में मौसम में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। हालांकि वर्तमान समय में किसी भी प्रकार के फ्लैश फ्लड की चेतावनी नहीं है। यदि बारिश के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो समय समय पर अलर्ट जारी किए जाएंगे। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में मौसम की स्थिति बदलती रहती है, कहीं धूप खिल रही है तो कहीं बूंदाबांदी हो रही है। मानसून के दौरान हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन, बादल फटने, फ्लैश फ्लड और पेड़ गिरने जैसी घटनाएं सामने आती हैं, जो पर्यटकों में डर पैदा करती हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश सरकार और प्रशासन इन समस्याओं से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पर्यटकों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अगर आप भी हिमाचल प्रदेश की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको यह जान लेना चाहिए कि मानसून का दौर समाप्त होने के बाद यात्रा करना सुरक्षित होगा। आप सितंबर के अंत से हिमाचल प्रदेश की यात्रा की योजना बना सकते हैं, जब मौसम अधिक स्थिर होगा और पर्यटकों के लिए अधिक सुरक्षित रहेगा। होटल डिस्काउंट, कई होटलों में इस समय 30% की ऑक्यूपेंसी है और डिस्काउंट ऑफर चल रहे हैं। मौसम की स्थिति, मानसून के समाप्त होने के बाद हिमाचल प्रदेश में यात्रा करना अधिक सुरक्षित होगा। फ्लैश फ्लड की चेतावनी, फिलहाल कोई फ्लैश फ्लड की चेतावनी नहीं है, लेकिन मौसम की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। समाप्ति की ओर बढ़ते हुए मानसून के कारण पर्यटकों को हिमाचल प्रदेश की यात्रा में कोई भी समस्या न हो, इसके लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। अब जब मानसून समाप्त होने वाला है तो हिमाचल प्रदेश घूमने का यह एक बेहतरीन समय है। अपनी यात्रा की योजना बनाएं और हिमाचल के सुंदर दृश्यों और ठंडी जलवायु का आनंद लें। लोकल 18 के लिए शिमला से पंकज सिंगटा की रिपोर्ट।